नमस्कार। मध्य प्रदेश में क्या कहता है चुनाव का माहौल, आज चुनाव हो जाता है तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर महा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 230 विधानसभा सीटों के लेकर किसको बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, इसको लेकर मध्य अवधि ओपिनियन पोल निकल के सामने आया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी विश्लेषण और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी जो है हलचल तेज देखने को मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादा वक्त अब चुनाव में बचा नहीं है। ऐसे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को लेकर इसके भी परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि उपचुनाव की जंग कहीं ना कहीं एक यहाँ पर संकेत देख गई है। क्योंकि एक लोकसभा की सीट और तीन विधानसभा सीटों में से दो बीजेपी ने, तो एक लोकसभा सीट यानी तीन सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर ही कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है, क्या कांग्रेस में कुछ बड़े दिग्गज जो बीजेपी में चले गए, क्या उसकी भरपाई कांग्रेस कर पाएगी आने वाले वक्त में, क्या कमलनाथ एक बार फिर से कांग्रेस का नेतृत्व करके 2023 में अपनी सरकार बनाएंगे, ये यहाँ पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। कांग्रेस की रणनीति है कि कहीं ना कहीं जो उनकी यहाँ पर कह सकते कमी हुई है, कुछ बड़े दिग्गज नेता निकल के गए हैं, उसकी भरपाई करने में लग चुकी है और दावा है कि 2023 में एक बार फिर से वो सरकार बनाएंगे। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसको लेकर तीन कंपनियों के ताजा सर्वे के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दमोह की चार सीटों में से बीजेपी को एक और तीन सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि चंदबरा की सात सीटों में से बीजेपी को दो और कांग्रेस से करीब चार सीटें, एक सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर दतिया की तीन सीटों में से बीजेपी को दो सीटें, कांग्रेस को एक और बीएसपी को भी यहां पर एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर देवास की पांच सीटों में से बीजेपी को चार, कांग्रेस को एक सीट जा सकती है। धार की सात सीटों में से बीजेपी को तीन सीटें, कांग्रेस के पक्ष में चार सीटें जा सकती हैं। गुना की चार सीटों में से बीजेपी को तीन, क्योंकि यहां पर काफी कुछ हलचल तेज हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ चुके हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ यानी वोट बैंक यहां पर पाया जाता है, इस कारण बीजेपी को यहां पर अब फायदा हो रहा है और बीजेपी को तीन, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। जबकि ग्वालियर की छह सीटों में से भी बीजेपी को तीन सीटें, दो सीटें कांग्रेस को, एक सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। हरदा की दो सीटों में से बीजेपी को एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कटनी की चार सीटों में से बात करें तो बीजेपी को दो सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी कहा जाए तो मध्य प्रदेश में काफी हलचल तेज है। इसी बीच मध्य अवधि जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, आखिर मध्य अवधि जो यहाँ पर आंकड़े हैं उसमें किसको कितनी बढ़त दिखाई दे रही है, आखिर में आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। तो खरगोन की छह सीटों में बात करें, बीजेपी करीब चार सीटें, कांग्रेस को दो सीटें जाने की संभावना है। मंदसौर की चार सीटों में से बीजेपी को तीन सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबकि मुरैना में छह सीटों में से बड़ा उलट फिर है, कांग्रेस को करीब चार सीटें, बीजेपी को दो सीटें जा सकती है। कांग्रेस के लिए अच्छी खासा यहाँ पर वोट बैंक है। और यहाँ पर नरसिंहपुर की अगर बात, चार सीटों में से बीजेपी को दो सीटें कांग्रेस को जा रही है। इसके अलावा नीमच की तीन सीटें में से बीजेपी को दो सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। पन्ना की तीन सीटों में से बीजेपी को दो सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। रायसेन की चार सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को एक सीट, जबकि कांग्रेस को दो सीटें और एक सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावनाएं लगाई जा रही है। राजगढ़ की पांच सीटों में से बीजेपी को तीन सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में, एक सीट बीएसपी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं रतलाम की पांच सीटों में से बीजेपी को चार सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। रीवा की आठ सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब पांच सीटें, तीन सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि सागर की आठ सीटों में से बीजेपी को छह सीटें, कांग्रेस को दो सीट ही जा सकती है। क्योंकि सागर में जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी का एक तरफा यहाँ पर कहीं ना कहीं तीन मंत्री यहाँ से रहे हैं और इस कारण से बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो रहा है और कांग्रेस को यहाँ पर केवल दो सीटें ही मिलने की संभावना है। सतना की सात सीटों में से बीजेपी को करीब चार सीटें और कांग्रेस को करीब तीन सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सीहोर की चार सीटों में से बात करें तो बीजेपी करीब दो सीटें, दो सीटें कांग्रेस को पक्ष में जा सकती है। सिवनी की चार सीटों में से बात करें तो बीजेपी को करीब तीन सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। शहडोल की तीन सीटों में बात करें तो बीजेपी को दो सीटें, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। शाजापुर की तीन सीटों में से कांग्रेस को एक सीट, बीजेपी को दो सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा सीहोरपुर की यहां पर दो सीटें, एक बीजेपी और एक कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। जबकि सीधी की चार सीटों में से भी यहां पर बराबर का यहां पर टक्कर देखने को मिले, बीजेपी कांग्रेस को दो दो सीटें जा सकती हैं। यहां पर बात करें शिवपुरी की तो बीजेपी को दो सीटें यहां पर कांग्रेस और एक सीट यहां पर बीएसपी। यानी कहा जाए कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर 2023 चुनाव में देखने को मिल सकती है, जिस कार से बड़ा उलटफेर हुआ है। चुनाव के लिए रिजल्ट रहे थे जो चुनाव के भी, तो वो भी काफी यहां पर कह सकते कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिले थे। जबकि सिंगरौली की अगर बात करें तो तीन सीटों पर बीजेपी को दो सीटें,
एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें यहां पर कांग्रेस को और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। उज्जैन की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 5 सीटें, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। मैया की अगर बात करें 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट जा सकती है। झाबुआ के 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबलपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इंदौर की 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, या बीजेपी को करीब 7 सीटें, 2 सीटें ही कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि होशंगाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबकि छतरपुर की 6 सीटों में बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें और 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बुरहानपुर की 2 सीटें में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर बीजेपी पक्ष में जा सकती है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। भिंड की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी करीब 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर हो सकती है। बड़वानी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें और 2 सीटें ही कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, 2 सीटें यहां पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। आगरमालवा की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों ही सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। और विदिशा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश की सभी यहां पर डिस्ट्रिक्ट के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि आखिर 230 विधानसभा सीटों पर 116 का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। एबीसी 24 के अनुसार कांग्रेस को 119 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, बीजेपी को 101 सीटें, अनेक खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा एबीपी सी वोटर के हिसाब से कांग्रेस को 117 और बीजेपी को 106 और अन्य के खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइम्स नाउ के हिसाब से बीजेपी को 153 सीटें, कांग्रेस को 58, अन्य के खाते में 19 सीटें जाने की संभावना मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। यानी एवरेज आंकड़ा लगाया जाए तो मध्य प्रदेश के लिए 2023 के लिए जो ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें अगर बात करें तो बीजेपी को 105 विधानसभा सीटों से लेकर करीब 115 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो 108 से कांग्रेस करीब 118 विधानसभा सीटों तक जा सकती है। 5 सीटें प्लस या माइनस यहां पर हो सकती हैं, जो यहां पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। यानी अगर 5% की गिरावट आती है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। वो चुनाव के वक्त फैसला होगा कि कितना मार्जिन किस पार्टी के पक्ष में जा सकता है। बीएसपी की बात करें तो 8 सीटें और 8 सीट ही इस बार अन्य के खाते में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही एक बार फिर से आमने सामने की टक्कर हो सकती है, जो चुनाव के यहाँ पर विश्लेषण और महत्वपूर्ण आंकड़े निकल के सामने आए हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से दल बदल होते हैं और किस प्रकार के वादे होते हैं, क्या किसान कर्ज माफी का एक बार फिर से यहाँ पर ऐलान होगा, क्या कुछ होगा इसके बाद, कुछ सीटों का अंतर प्लस या माइनस में हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।